भारतीय क्रिकेटर्स को अक्सर आपने मैदान पर बड़े बड़े बाउंड्रीज लगाते हुए बड़ी बड़ी पारियां खेलते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ वैसी ही बड़ी गाड़ियों में भारतीय क्रिकेटर्स ऑफ द फील्ड अपनी जिंदगी जीते हैं। आखिरकार वो कौन से पांच ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके पास है पांच सबसे महंगी गाड़ियां, करोड़ों की कीमत की गाड़ियां इन खिलाड़ियों के पास हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आज आपको देंगे कि नंबर पांच से लेकर नंबर एक तक वो कौन से मौजूदा क्रिकेटर्स हैं जिनके पास है सबसे महंगी गाड़ियां। नंबर पांच पर सबसे पहले नाम आता है भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। काफी लोग श्रेयस अय्यर का नाम देखकर इस लिस्ट में काफी हैरान हैं, लेकिन आपको बता दें श्रेयस अय्यर गाड़ियों के काफी ज्यादा बड़े शौकीन हैं। इस साल आईपीएल अपनी कप्तानी में जीतने वाले श्रेयस अय्यर ने भारतीय क्रिकेट टीम में से जरूर अपनी जगह गंवा दी हो, लेकिन अपनी गाड़ियों की कलेक्शन को बढ़ाने में ये किसी से भी पीछे नहीं रहे हैं। श्रेयस अय्यर के पास है मर्सिडीज जी वैगन गाड़ी जिसकी कीमत 3 करोड़ 21 लाख रुपए बताई जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नंबर एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो साथ ही में आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के भी कप्तान हैं। हार्दिक पांड्या को ऑफ द फील्ड एक काफी लग्जरी लाइफ जीते हुए देखा जाता है। हाल ही में हार्दिक पांड्या का उनकी बीवी नताशा स्टैनकोविक के साथ तलाक जरूर हुआ है, लेकिन हार्दिक पांड्या अभी भी अपनी लग्जरी और ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं, जैसा कि हार्दिक पांड्या को मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में देखा गया था। हार्दिक पांड्या के पास मौजूदा क्रिकेटर्स में से चौथे नंबर पर सबसे महंगी गाड़ी है, जो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी हुरकेन जिसकी कीमत 3 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जाती है। इसके बाद नंबर तीन पर आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल, जिन्हें ज्यादातर उनकी धीमे बल्लेबाजी के लिए फैन जरूर ट्रोल करते हों, लेकिन फिर भी के एल राहुल के पास धीमी पारियों के साथ एक ऐसी तेज भागने वाली गाड़ी है जिसको लेकर के एल राहुल ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। पिछले साल में के एल राहुल ने अपनी बीवी आथिया शेट्टी के साथ ली थी लैम्बोर्गिनी हुरकेन स्पाइडर जिसकी कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जाती है। इसके बाद नंबर दो पर नाम आता है भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा के पास उनकी कलेक्शन में ज्यादा गाड़ियां तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी गाड़ियां हैं, रोहित शर्मा ने अक्सर बताया है कि उन्हें गाड़ियां चलाने का काफी ज्यादा शौक है। इतना ज्यादा शौक है कि रोहित शर्मा ने इसके चक्कर में चलान भी करवाए हुए हैं। जी हाँ, 2023 में रोहित शर्मा को ओवर स्पीडिंग के चक्कर में मुंबई पुलिस की तरफ से 3-3 चलान भी कर दिए गए थे। ये हुए थे रोहित शर्मा की लग्जरी महंगी गाड़ी में ही। रोहित शर्मा के पास है लैम्बोर्गिनी हुरकेन जो कि 4 करोड़ 18 लाख रुपए की है, और ये मौजूदा क्रिकेटर्स में जिनके पास गाड़ी है उसमें दूसरी सबसे महंगी गाड़ी है। नंबर एक पर नाम आता है उस खिलाड़ी का जिसके पास दुनिया भर के तमाम क्रिकेट रिकॉर्ड्स में नंबर एक पर रहने की उपलब्धि है। जी हां, यहां पर बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के किंग विराट कोहली की। विराट कोहली के पास वैसे तो तमाम गाड़ियां हैं, और कोहली की कुल गाड़ियों की कीमत तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। विराट कोहली के पास जो सबसे महंगी गाड़ी है उसका नाम है बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी जिसकी कीमत 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बताई जाती है। तो ये थे वो पांच खिलाड़ी भारतीय जिनके पास है सबसे महंगी गाड़ियां। इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में।